हेलो हेलो वेलकम टू पर हम हैं कलम से क्रांति मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में कैसे हैं आप सभी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था होमवर्क क्या था कि आप लोगों का जो ओजोन uh, लेयर होती है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का था कि ओजोन लेयर जो होती है वह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उसमें क्या बोलते हैं जो वो एब्जॉर्ब करती है तो ये ओजोन लेयर कौन से भाग में मिलती है एटमॉस्फेयर के जल्दी से एक बार बताएंगे के कौन से भाग में आपको ये लेयर मिलेगी जल्दी से बताएंगे बेटा सूरज सुधीर नवी रूपम खुशबू देखो आज बहुत दिनों बाद अपने टाइम पे क्लास हुई है तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी सभी प्यारे छात्र हैं सभी अपनी क्लास को शेयर कर दें ताकि आ, और जो भी बच्चे हैं वो भी सब हमारे साथ आके यहाँ पे जुड़ जाए है ना कोई ऐसा ना रहे बाद में कोई ये कहे कि मैम हमें तो पता ही नहीं था क्लास का ठीक जी चलो जल्दी से बताओ जरा इसका कि ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है देखिए हमारी वायुमंडल के अंदर बहुत सारी परतें होती हैं जिनमें से आपको सारी परतें ध्यान रखनी पड़ेंगी जैसे देखो हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी के एकदम साथ जो है उसको हम चोपोस्फियर कहते हैं ठीक है और यहीं पे आपको मुख्यतः सारी की सारी एटमोस्फेरिक गैसेस मिलती है जैसे ऑक्सीजन हुआ इक्कीस प्रतिशत नाइट्रोजन हुआ अठहत्तर प्रतिशत वो हमें इसी भाग में मिलेगा ठीक है तो यहां पे देखिए ये क्या कहलाता है शोभ मंडल शोभ मंडल के बाद आपका दूसरा जो भाग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं स्ट्रैटो यानी कि मंडल कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं बेटा समताप मंडल उसके बाद आपका मीजोस्फियर आ जाता है जिसको आप मध्यमंडल कहते हैं ठीक है जिसको आप क्या कहते हैं बेटा मध्यमंडल कहते हैं फिर उसके बाद थर्मोस्फियर आ जाता है जिसको आप आयन मंडल या थर्मोमंडल कहते हो ठीक है और लास्ट आ जाता है आपका बाह्य मंडल तो अब देखो ये जो हमारे सारे इतने सारे मंडल है इन मंडलों में से ये जो समताप मंडल होता है यहाँ पे आपको मिलेगी क्या ब्लूइश गैस जिसको हम ओजोन कहते हैं ठीक है तो ये ओजोन लेयर आपको कहाँ मिली स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल इसका एकदम सटीक आंसर है अगर आपसे कोई पूछे जो मिटियोर्स होते हैं यानी कि जो शूद्र ग्रह होते हैं जो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो वो जलना कब शुरू कर देते हैं ठीक है शूद्रग्री इनको कुछ और बोलते हैं उल्का पिंड उल्का सॉरी शूद्रग्रह तो एस्टोरॉइड हो गए जो उल्का पिंड होते हैं तो वो उल्का पिंड कौन से लेयर में जलना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे मैं मीजोस्फियर में या मध्यमंडल में उलका पिंड जलना स्टार्ट करते हैं मीटियोर्स स्टार्ट बर्निंग ठीक है चलिए जी नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है जल्दी से बताइए ठीक है वेरी गुड जल्दी से आंसर दीजिए बेटा इसका क्या कहेंगे कि मैम कोशिका होती है किसमें नहीं मौजूद जो हमारे जो बैक्टीरिया होता है इस बैक्टीरिया के पास होती है किस चीज की पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकन की कोशिका भित्ती किसकी पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ती प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की सेल्यू लोस की कोशिका भित्ति हमें दिखती है फंगी के अंदर काइटिन की कोशिका भित्ति दिखती है और ह्यूमंस के अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा मानव इसका सटीक आंसर हो जाता है ठीक है चलिए तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से जैसे ये जो हमारा प्लांट सेल है इस प्लांट सेल के अंदर ये है सेल वॉल किस चीज की बनी है सेल्यूलोज की बनी है ठीक है यह हमारे पास फंगल सेल है तो फंगल सेल में ये जो सेल वॉल है ये बनी है काइटिन की ठीक है और अगर मैं इस बैक्टीरिया की बात करूं तो ये किस चीज की बनी है ये बैक्टीरिया की वॉल है और ये किस चीज की बनी है यह बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं भाई देखो बहुत ध्यान से देखिएगा जैसे आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी इस इमेज के अंदर ये एक चांदी की चम्मच है और दूसरी ये चांदी की चम्मच है इन दोनों चांदी की चम्मचों में हम लोग क्या देखेंगे इन दोनों चांदी की चम्मचों में हमको यह पता चलता है कि इनमें से एक जो चांदी की चम्मच है बेटा वो क्या हो गई है वो काली सी पड़ गई है ठीक है तो आपको यह आंसर देना है कि ये क्यों काली पड़ गई है जल्दी से बताएंगे क्या आंसर करोगे देखो बच्चे यहाँ पे ये जो आपका सिल्वर है ए जो है जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ सल्फर के साथ यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बना देगा ये एजी बना लेगा तो आंसर हो जाएगा बेटा सल्फर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए हां जी बच्चे जल्दी से एक बार बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा कि मानव सॉरी इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा यानी कि विद्युत चालक इनमें से कौन सा होगा प्लास्टिक की चादरें जल मानव शरीर लकड़ी की पतली चादर जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से कौन सा एक विद्युत चालक है प्लास्टिक की चादरें जल मानव का शरीर या फिर लकड़ी की पतली चादर क्या से करेंगे आप कहेंगे कि मैम जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा देखो प्लास्टिक जो होता है इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं है डिस्टिल्ड वॉटर जो होता है इसमें भी हमें कोई फ्री आयंस नहीं मिलते लेकिन जो हमारा नॉर्मल वॉटर होता है या मिनरल वाटर होता है मिनरल वाटर इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर मैग्नीशियम के आयंस मिलेंगे कैल्शियम के आयंस मिलते हैं ठीक है इस वजह से वो पानी कंडक्ट करता है लेकिन जल क्या होगा ये पानी को कंडक्ट नहीं वो बिजली को कंडक्ट नहीं करता है ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो यस हमारे पास पोटेशियम आयंस है हमारे पास सोडियम आयंस है हमारे पास कैल्शियम आयंस है जब इतने सारे हमारे अंदर मौजूद है तो हम कंडक्टर होंगे कि नहीं होंगे क्या आंसर कर दोगे कि मैडम ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर है नीरज का आंसर गलत हो गया रिया का आंसर गलत हो गया ओके विजय सिंह का आंसर एकदम सही है राहुल तिवारी बेटा ज्यादा उसमें आ रहे हो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस है, में गलत आंसर कर दिया आंसु जल मतलब उसके अंदर कोई मिनरल मौजूद नहीं है आप उसको नॉर्मली पी भी नहीं पाते हो इतना ज्यादा प्योर होता है वो पानी ठीक है संगीता गलत हो गया बेटा आंसर बाकी सभी बच्चे भी एक बार अपने क्लास को शेयर करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोग बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे मौजूद है फटाफट से एक बार सभी बच्चे आ जाइए हाँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ देखो हमारी हाँ। एक बार जो है ना आरआरबी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए मानव शरीर अगर शुष्क अवस्था में होता है शुष्क अवस्था मतलब जब हम पानी में नहीं होते तो उस टाइम पे हमारे शरीर का जो आ, वो होता है आ, रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध होता है वो कितना होता है तो ध्यान रखिएगा तीन लाख ओम का रेजिस्टेंस हमारे शरीर में सूखे उसमें होता है जिस टाइम पे हम क्या है जिस टाइम पे हमारी स्किन एकदम ड्राई होती है लेकिन मान लीजिए कि हम अगर जो है वेट हो जाते हैं हमारी स्किन गीली है तो गीली होने पर वो जो हमारा रेजिस्टेंस हमको दिखाएगी वो कितना दिखाएगी हजार ओम के आसपास का रजिस्टेंस दिखाती है ठीक है बेटा ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक शाकाहारी को क्या कहा जाता है जल्दी से एक बार बताओ बेटा जल्दी से एक बार बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा क्या कहोगे कि एक शाकाहारी को डैश के रूप में भी जाना जाता है निर्माता पहला क्रम उपभोक्ता दूसरा क्रम उपभोक्ता या फिर तीसरा क्रम उपभोक्ता संगीता, I think इसमें ना विवेक सर ने एक कि जॉब है इसमें में एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा बच्चा आपको चलिए आंसर क्या हो जाएगा कि मैम देखिए जब भी, भी हम हरबी बोर्स की बात करते हैं तो देखो सूरज से एनर्जी लेके प्लांट्स ने अपना खाना बनाया तो प्लांट्स कहलाए प्रोड्यूसर्स क्या ये कहलाए निर्माता और निर्माता के बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं सारे के सारे हर भी वोर्ड्स क्यों क्योंकि इसी के ऊपर फीड कर रहे हैं तो जो भी शाकाहारी होते हैं वो क्या है वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर इसका सही आंसर है जो बच्चे सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर आंसर कर रहे हैं बच्चे ध्यान रखिएगा जो कार्नी होते हैं कार्नी वोर्स होते हैं यानी कि मांसाहारी जो होते हैं वो क्या है बच्चे वो आपके दूसरे क्रम के उपभोक्ता हो जाते हैं कौन हो जाते हैं दूसरे क्रम के उपभोक्ता हमें वो देखने को मिलते हैं ध्यान रखेंगे चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है आवर्त आवर्धनी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षारीय धातु निम्न में से डैश द्वारा अलग होते हैं जल्दी से बताएंगे दीपाली, नीरज पप्पू पूजा राहुल विकास रोहित बाकी क्लास के बच्चे कहाँ हैं एक बार उनको भी जाके बोल के आओ कि आ जाओ क्लास स्टार्ट हो गई है यहाँ पे सारे बच्चों को लेके आओ वापस से क्या हो गया दीपाली बच्चा जल्दी से सही आंसर दो चलो आप क्या कहोगे कि मैम हमसे ये पूछे एक तरफ इधर ये हमारे आलोजन मौजूद हैं यहाँ लो ये डायग्राम में देखो देखो ये हमारे हेलोजन मौजूद हैं क्या है ये ग्रुप नंबर सत्रह हेलोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ठीक है ठीके? और दूसरी तरफ ये क्या है ये हमारे शारीय धातु हैं यानी कि ये है ग्रुप वन तो अब आपसे पूछा इन दोनों को विभाजित कौन कर रहा है तो अब देखो मैम हाइड्रोजन फिर उसके बाद लिथियम लिथियम के बाद फ्लोरीन फिर नियोन फिर उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम ये सब चले उसके बाद क्लोरीन आर्गन तो अगर मैं देखू सत्रह और उन्नीस के बीच में कौन आया कहोगे मैम अट्ठारह आया नौ और दस के बीच में नौ और ग्यारह के बीच में कौन आया कहोगे मैम दस आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है या तो आप कह सकते हो कि मैम ये ग्रुप नंबर टू से लेके ग्रुप नंबर सोहल तक इनके बीच में आ रहे हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं है, मैम ग्रुप नंबर पूरा अठारह इनके बीच में आ रहा है ठीक है ग्रुप नंबर अठारह इनको विभाजित कर रहा है तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन अवेलेबल है रेयर अर्थ मेटल है एल्कलीन अर्थ मेटल है नोबल मेटल है या नोबल गैसेस हैं। आप क्या आंसर कर दोगे मैम उत्कृष्ट गैस इसका सटीक आंसर हो जाएगा और देखिए आपके सीजीएल 2020 में पूछा गया है तो इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं कि आप लोग आंसर ना कर सके ठीक है चलिए जी अब जल्दी से आंसर करो अच्छा बाकी बालकों की सबकी जॉब लग गई चलो जी बहुत बढ़िया बात है फिर तो ये, फिर तो ये ये फिर फिर बहुत बढ़िया बात है फिर मुझे कोई टेंशन नहीं चलो जल्दी से बताओ डैश गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी यूरेटर वृखाणु वलकुट या फिर मज्जा जल्दी से आंसर करो क्या है अब देखो अगर हम आपसे पूछे आपकी किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो भैया ये अपना शरीर इस शरीर में किडनी किडनी के जब मैंने स्ट्रक्चर्स देखे तो मुझे दिखाई है बाहर में इसकी कैप्सूल जिसको आप रीनल कैप्सूल कहते हो इसके अंदर फिर आपको मिलता है कॉर्टेक्स जैसे राजमा के ऊपर एक छिलका होता है वैसा फिर उसके अंदर मिलता है हमको मज्जा ठीक है इसी मज्जा के अंदर हमको मिलती है क्या नेफ्रॉन ठीक है ये क्या है ये है बच्चा नेफ्रॉन ये तीन मिलीमीटर लंबी होती है लेकिन इसी के द्वारा क्या होता है एक्चुअल में आ, आपके शरीर में यूरिन बनाया जाता है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं यानी कि वृखाणु कहते हैं और इसी वृखाणु के माध्यम से क्या होता है क्लीनिंग का कार्य होता है ठीक है और यही जो है आपकी किडनी की सबसे छोटी इकाई है इसी के आधार पे किडनी के अध्ययन को या उत्सर्जन के अध्ययन को आप नेफ्रोलॉजी कहते हो नेफ्रोलॉजी, ठीक है चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेद की बीमा के समान होती है जल्दी से बताइए किसकी बीमा रैखिक संवेद की बीमा के बराबर होती है जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर हो जाएगा ठीक है आरव रोहित केशव राहुल भूपेंद्र दिनेश वेरी गुड आंसर क्या करोगे कि मैम देखिए यहाँ पे अगर हम मोमेंटम की इकाई देखते हैं तो मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम होता है मास इंटूल है ना क्या होता है ये मास मास का इकाई होती है किलोग्राम वेलासिटी की होती है मीटर पर सेकेंड तो इनमें से जिसकी भी इकाई मीटर पर सेकेंड होगी वही क्या है उसी का सेम वैल्यू होगा तो अगर हम देखें यहाँ पे देखो एनर्जी क्या होता है एनर्जी होता है वर्क डन वर्क डन के बराबर है ना एनर्जी क्या होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स होता है मैडम न्यूटन डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये क्या हो जाएगा न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप क्या कहोगे मैम ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी की इकाई होती है बेटा जूल और एक जूल जो होता है वह किसके बराबर है एक किलोग्राम मीट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के तो इसका मतलब इकाई सेम नहीं है अच्छा यहाँ पे देखो ये जो अपना मोमेंटम है इसकी इकाई क्या होगी विमीय सूत्र क्या होगा कहोगे मैम किलोग्राम से हम मास मापते हैं मीटर से हम लेंथ मापते हैं और सेकेंड से हम टाइम मापते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एम एल टी माइनस वन इसका सही आंसर हो जाएगा इधर जब हम ऑपोजिंग फोर्स की बात करते हैं तो मैम चाहे ऑपोजिंग फोर्स हो चाहे पुशिंग फोर्स हो इन सभी का मतलब क्या है इन सभी का मतलब है बल है ना और बल जो होता है वो किससे मापा जाता है न्यूटन से न्यूटन किससे मापा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका मतलब एम एल टी माइनस टू ये हो जाएगा तो मैम ये भी नहीं बैठ रहा काम ये है एम एल टू टी माइनस टू ये भी काम नहीं आ रहा इम्पल्स की बात करते हैं इम्पल्स क्या होता है फोर्स पर यूनिट टाइम ठीक सॉरी फोर्स इन टू टाइम ये क्या होता है बेटा इम्पल्स होता है जब मैं यहां देखो फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड से तो ये जो आपका पर सेकेंड स्क्वायर था यानी कि बटे में स्क्वायर था आ, सेकेंड का इससे जब हमने सेकेंड मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना और जब आपने इसका विमीय सूत्र निकाला किलोग्राम से क्या मापोगे मास मीटर से क्या मापोगे लेंथ सेकेंड से क्या मापोगे मैम टाइम लेकिन सेकेंड है इनवर्स में तो मैम क्या ये दोनों चीजें आपस में मैच कर रही है कहोगे यस मैम ये दोनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे मोमेंटम जैसी जो विमिया सूत्र होगा वह इंपल्स का होगा ठीक है क्या हो जाएगा इंपल्स का विमिया सूत्र हो जाएगा क्या मोमेंटम जैसा और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है तो इसको जो है ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बहुत बार ठीक है जितने सारे इस पे स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सवाल ठीक है चलिए थैंक यू ठीक है चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए इमेज फॉर्म भाई एक सिनेमा स्क्रीन है सिनेमा स्क्रीन मतलब मान लीजिए पूर्णिमा वाला देखा है उसके अंदर क्या है कि वो एक पूरा गांव मिलके क्या कर रहा है एक मूवी देख रहा है और उसमें उनको जो मूवी है वो धुंधली दिखाई दे रही है अब अचानक से वहां पे एक लड़की है उसका दिमाग काम करता है वो जो है एक सफेद चादर के ऊपर उस कैमरे को घुमा देती है तो वहां पर जो इमेज दिख रही है वो किसके ऊपर दिख रही है उस चादर के ऊपर अब मान लीजिए वो लड़की खुद उस चादर के सामने आ जाए तो वो जितनी भी इमेज है क्या वो उसके ऊपर नहीं बनेगी कहोगे यस मैम उसी के ऊपर बनेगी तो ऐसी जो इमेजेस होती है जिन जो आप अपने शरीर के ऊपर बनवा सकते हो उसको हम क्या कहते हैं रियल इमेज कहते हैं यानी कि जिस भी इमेज को आप छू सकते हो खुद से वो क्या होती है बच्चा रियल इमेज होती है ठीक है तो ये जो रियल इमेज है वो ही बनती है सिनेमा स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज बनेगी बेटा सिनेमा स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज बनती है ठीक है तो जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया उनका आंसर हो गया बेटा गलत ठीक है क्यों क्योंकि वर्चुअल जो होती है उसको आप छू नहीं सकते आप सिर्फ उसको आभास कर सकते हो ठीक है आप इनको छू नहीं सकते असली छवि को या वास्तविक छवि को आप छू सकते हो ठीक है और जबकि आभासी छवि को आप छू नहीं सकते हो ध्यान रखेंगे चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बोन एट नी इज नोन एज यानी कि आपके घुटने पर जो हड्डी होती है हो, उसको क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए कंधे की हड्डी पटेला ईशियम या फिर श्रोणी जल्दी से बताइए और हाँ अब से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी अब से आपका टाइम चेंज नहीं होगा और ना ही कुछ स्पेशल क्लासेस का भी प्लान है तो आपको अब रेगुलर क्लासेस आपके 11 बजे ही हुआ करेगी साइंस की तो अपना टाइम से पहले खुद ही आ जाए कीजिएगा ये नहीं कि मैम बुलाएंगे आप तभी आएंगे ठीक है तो खुद से ही आप सभी को आ जाना है और यहाँ पे जितने भी बच्चे लाइव है यार कम से कम अपने आप से कर दिया करो लाइक है मैम को ही बोलना पड़ता है हर बार दिस इज नॉट डन चलो जल्दी से बताओ सी 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 बीबीबी ईशियम बी, बी, ईशियम वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया कितनी बार बताया है घुटने की हड्डी जो होती है भाई साहब फटे हुई जीन्स पहनते हो तो पटेला जीन्स के नीचे क्या मिलता है पटेला क्या मिलता है फटेला जीन्स के नीचे मिलता है पटेला तो आंसर क्या हो जाएगा पटेला ठीक है ध्यान रखोगे बोन को जानुका को क्या कहते हैं जानुका को या बोन को क्या कहते हैं पटेला कहती हैं अब मैंने यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम लगा रखा है वो इसलिए लगाया था ताकि आपको बोन समझा सकूं पर ठीक है आपने तो आंसर अपने घुटने में ही जो है बोन जोड़ दिया चलो तो यहाँ पे देखो ये क्या है ये है आपका बेटे रीढ़ की हड्डी ठीक है जहाँ पे ये सैक्रम हो गया इतना भाग और ये आपकी पुच्छ हो जाती है इनकी कॉकिक्स हो जाती है अब इसी रीढ़ की हड्डी से क्या जुड़ा है आपका ये वाला भाग जुड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं आप लोगों का इलियम ठीक है ये क्या है इलियम नामक हड्डी बच्चों के अंदर जो हिप बोन होती है वो तीन भागों में विभाजित होती है ठीक है ये दूसरी हड्डी है इसका नाम होता है प्यूबिक दूसरी हड्डी है इसका नाम है बच्चे प्यूबिक ये है प्यूबिक ठीक है और ये वाली तीसरी हड्डी जो यहां पे जुड़ी हुई है इसका नाम है ईशियम ठीक है इन तीन हड्डियों से मिलके क्या बनती है आपकी कौन सी हड्डी बन जाती है पेल्विस बोन बन जाती है पूरा का पूरा बोन क्या कहलाएगा पेल्विस बोन कहलाता है हिप बोन कहलाता है ठीक है तो गलतियां मत किया कीजिए इतनी छोटी छोटी चलो जल्दी से हम्म जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी जे जे थॉमसन ने जेम्स चैडविक ने फोर्ड ने या फिर यूगन गोल्सीन ने जल्दी से बताएंगे बेटा क्या कहोगे इलेक्ट्रॉन की खोज तो आप क्या कहोगे मैम ईट पर नाच ईट पर पगधर नाच ठीक है तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज करी है वो नामकरण किया है रदरफोर्ड ने लेकिन खोज किसने करी है गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है चैडविक ने किसने चैडविक ने तो आंसर क्या हो जाएगा आप कहेंगे कि मैम इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने करी है आप क्या कह दोगे आ, आ, जे जे थॉमसन ने इसकी खोज करी है किसने बच्चे जे जे थॉमसन ने इसकी खोज करी है ठीक है बच्चा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, है? सवाल ये कह रहा है कि जब इनमें से क्या चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा उग जाती है तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर भाग है या प्लांट का एक भाग कह सकते हो तो प्लांट का एक ऐसा सेक्शन है जो क्या होता है जो ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड में उगता है तो आप बताइए इनमें से क्या हो जाएगा आंसर क्या आंसर करोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो वहां पे लाइकंस ज्यादा होंगे लाइकंस आपको एक पर्पल कलर का ये ऐसा सा प्लांट दिखाई देता है जहां पे आपको क्या मिलेगा ये एलगी और फंगी का कॉम्बिनेशन होता है किसका शैवाल और शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन होता है किसका बेटा शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन ये हमको दिखाई देता है ठीक है इसका एक्चुअल कलर जो होता है वो ग्रीनिश और पर्पलिश होता है और साथ साथ ध्यान दीजिएगा इसका लिटमस पत्र बनाने में उपयोग होता है ठीक है क्या बनाने में बेटा लिथमस पत्र बनाने में इसका उपयोग होता है बच्चे मैंने आपको कल भी बताया था शिवेंदु कि आप लोगों के जो एम uh, के एडमिट कार्ड है आपका जो भी एग्जाम डेट आई है जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम आठ तारीख को है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो पांच या छह तारीख को चार या पांच तारीख को निकल जाएगा ठीक है तो ये अकॉर्डिंग टू आपका एग्जाम होगा मान लीजिए किसी का छह तारीख को ही एग्जाम है तो उसका कब निकल जाएगा फॉर्म तीन को या फिर दो तारीख को निकल जाएगा ठीक है बेटा चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो क्या आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूज डेंगू एज इट्स फीड्स ऑन मॉस्किटो लावा यानी कि उत्तर प्रदेश ने डेंगू की जांच के लिए या डेंगू को खत्म करने के लिए उर्फ डैश नामक मछली का उपयोग किया है क्योंकि यह मच्छरों के लावा को खाती है जल्दी से बताएंगे हाँ तो ओनली यू आर फ्रॉम यूपी तो इसका मतलब आप, आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर सकते ठीक है जल्दी से बताओ क्या आंसर कर दोगे आप कहोगे कि मैम क्या है बच्चा है था, लेकिन उसका दूसरा था. 2013 में वो क्वेश्चन इस बार फिर से रिपीट होगा हंड्रेड चलिए नेक्स्ट देखिए वॉट इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व बिटवीन टू नर्व सेल्स और बिटवीन एंड अ ग्लैंड और मसल सेल भाई साहब सीधा सीधा कह रहा है कि हमारे पास दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है हमारे पास क्या है बेटा दो न्यूरॉन्स हैं तो ये जो दो न्यूरॉन्स होती हैं ठीक है चीके? ये जो दो न्यूरॉन्स होती हैं बेटा इनके बीच में जो जोड़ बन रहा है वो क्या कहलाता है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर क्या कह दोगे आप कहेंगे कि मैम देखिए जो भी दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ती हैं हम उनको क्या कहते हैं हम उनको सिनेप्स कहते हैं न्यूरॉन के हमें तीन भाग देखने को मिलते हैं ये जो शुरुआती तंतु होते हैं आप इनको डेंड्राइट कहते हो डेंड्राइट कहते हो ये क्या कहलाता है ये सोमा कहलाता है या फिर सेल बॉडी कहलाती है सोमा या फिर सेल बॉडी कहलाती है ठीक है ये जो इस प्रकार की संरचना होती है इनको हम माइलिन शीत कहते हैं क्या कहते हैं माइलिन शीत कहते हैं और ये जो तंतु का जोड़ आपको देखने को मिल रहा है इसको हम सिनेप्स कहते हैं ठीक है यही आपके पेपर के क्वेश्चन का आंसर है कि सिनेप्स जो होता है वो हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहां पे ये आपका एक्जोन है और ये आपके डेंड्राइट्स हैं एक्जोन से क्या होगा कुछ इंफॉर्मेशन यहां तक ट्रांसफर होनी है तो यहां पे पहली चीज ये जो जोड़ बन रहा है ठीक है इस जोड़ के अंदर हमें कुछ आयंस की आवश्यकता है और कौन से कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस की आवश्यकता होती है ताकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर किया जा सके कि ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज दिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्प फ्लेवर इन कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें एक अलग सा स्वाद होता है तीखा सा स्वाद तो आपको ये बताना है कि वो तीखा सा स्वाद निम्न में से किसके कारण होता है बोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जल्दी से बताओ गोलू विजय वी शर्मा नीरज राहुल सुरभि दीपा किलर भूपेंद्र जल्दी से बताएंगे बेटा क्या आंसर हो जाएगा क्या कहेंगे कि शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हम लोग जिम्मेदार है तो बच्चे ध्यान रखेगा कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना उनके अंदर हमें या फिर अगर मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करूं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं तो बच्चे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना इसमें हमको दो एसिड मिलते हैं एक है कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड और दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक है और इसी वजह से आपको जो शीतल पेय है वो कुछ टाइम बाद अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो ये फॉस्फोरिक एसिड के कारण बेटा क्या होता है आपको शीतल पेय में खट्टापन लगता है अच्छा जो बच्चे यहाँ पे ए आंसर कर रहे हैं बच्चे बेटा बोरिक एसिड जो है माना उसको हम मृदु अम्ल कहते हैं ये मृदु अम्ल कहलाता है लेकिन इस मृदु अम्ल के माध्यम से आप अपना मतलब जरूर थोड़ी है कि जो भी चीज अगर हानिकारक नहीं होगी तो हम उसका सेवन ही करेंगे हम उसको खाएंगे ही ऐसा जरूरी थोड़ी होता है तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखेगा कि जो बोरिक एसिड होता है वो है आपका मृदु अम्ल है ये हमारे किस तरीके से ये हमारे आई वॉश के रूप में इस्तेमाल होता है ठीक है यानी कि आंखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है ईयर ड्रॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है ठीक है सुहागा बना वो सुहागा नहीं हाँ सुहागा बनाने के लिए बोरेक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कैरम बोर्ड पे पाउडर जो डाला जाता है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ध्यान रखेंगे बेटा चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताइए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एस SI मात्रा क्या है ज्योति तीव्रता का ज्योति तीव्रता का एस SI मात्रा क्या है जल्दी से बताएंगे बेटा क्या आंसर करेंगे ममता सुरभि वेरी गुड भूपेंद्र राहुल चलो जल्दी से बताओ कैंडेला कैंडेला वेरी गुड आंसर क्या हो जाएगा कि मैडम जब भी, भी हम यहाँ पे बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की उसकी इकाई क्या होती है कैंडेला होती है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप जरा कुछ कुछ चीजें और जान लीजिए आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है ये आपकी एक मोमबत्ती जल रही है इस मोमबत्ती के जलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है क्या कि मतलब यहां से तो लाइट निकल रही है अब मैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में देखूं ठीक है तो किसी अगर हम देखें तो यहां से क्या निकल रहा है यहां से सारी की सारी की लाइट आपका ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है बहुत सारा तो हर दिशा में जितनी भी आपकी ये लाइट निकल रही है उसको आप ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं और वो ल्यूमेंस में मापा जाता है किस में मापा जाता है ल्यूमिन ल्यूमेंस में अच्छा अब ये जो लाइट रे है ये जो लाइट रे है अगर मैं इसको एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर एरिया पे पढ़वाती हूँ तो एक पर्टिकुलर ये कोण कितना बनाता है ठीक है उससे जो एक सर्कल बना उससे जो एक आपका एंगल बना उसको हम क्या कहते हैं कैंडला या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं ठीक है किसमें मापेंगे कैंडला कैंडेला में और इसको हम क्या कहते हैं ज्योति तीव्रता कहते हैं अच्छा जो भी आपका लाइट रे है वो उसने कितना एरिया कवर किया कितने एरिया को जगमग कर दिया तो वो हम कहते हैं इल्यूमिनेंस ठीक है प्रदीप्ति कहते हैं और ये जो प्रदीप्ति होती है इसको हम लक्स में मापते हैं या फिर ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर में इसको मापते हैं ठीक है तो ये सब चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है बच्चा चले अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट देखिए कि हरबी वोर्स फॉर्म द डैश ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मोर्स का क्वेश्चन किया है, अगर आपने वो अच्छे से समझा था तो आप इस का बहुत से कर सकते हो जल्दी से बताएंगे और क्लास को शेयर करेंगे स्नेक बाइट बता दो बेटा स्नेक बाइट में क्या होता है कि आपका जो शरीर है जैसे स्नेक ने आपको काटा तो मान लीजिए आपके हाथ के ऊपर काट लिया ठीक है तो हाथ के ऊपर काटने पे क्या होगा कि जो भी आपका स्नेक है स्नेक ने एक प्रोटीन आपके शरीर के अंदर डाला उस प्रोटीन का नाम होता है पॉइजन ठीक है या वेनम ठीक है उसने अपना जहर आपके अंदर इंडक्ट कर दिया तो अब ये जो प्रोटीन है ना ये हमारे ब्लड में नहीं गया ये क्या हुआ कि हमारी जो लसिका होती है जो आपकी लिम्फ होती है उस लिम्फ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है लसिका इसको पूरा का पूरा कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करके फिर इसको ट्रांसफर करती है आपके हृदय तक फिर जब ये हृदय में चला जाता है तो फिर हृदय इसको क्या करेगा फेफड़ों को भेजेगा फिर फेफड़ों से वापस आएगा ये और वापस आने के बाद फिर आपका पूरा शरीर इसको पूरे शरीर में आपका हृदय इसको भेज देता है ठीक है तो ये प्रक्रिया होती है और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका लिम्फ सिस्टम का सबसे पहला रोल होता है ठीक है चलिए अब यहाँ पे देखो सत्यमेव आंसर क्या हो जाएगा देखिए मैम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स ठीक है प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हरबी वोर्स तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब बच्चे यह है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के दूसरे स्टेज में आते हैं सेकेंड लेवल पर आते हैं किस लेवल पे आएंगे बेटा सबसे कम लास्ट वाला सबसे ज्यादा पहले वाला कॉम्पोनेंट कंज्यूम करता है किलर ऐसा नहीं है बेटा यहाँ पे मैं बता देती हूं क्या चीज है यहाँ पे ये यह जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ना ये है एनर्जी ट्रांसफर परसेंटेज ठीक है जैसे ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स थे इन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसमें हंड्रेड परसेंट एनर्जी थी लेकिन जो शाकाहारी थे उन्होंने सिर्फ इनका जब भोजन को ग्रहण किया तो उनको सिर्फ दस परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हुई फिर उसके बाद जो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे थे, मांसाहारी उनको क्या हुआ उनको आपका मतलब ये शाकाहारियों का और दस परसेंट ही ट्रांसफर हुआ फिर इससे अगले लेवल पे पॉइंट वन परसेंट ट्रांसफर होगा फिर इसका एक बटे दस परसेंट ट्रांसफर होगा एक बटे दस ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा हर स्टेज पे हमेशा टेन परसेंट एनर्जी ही ट्रांसफर होगी सारी एनर्जी एज इट इज ट्रांसफर नहीं होती है ठीक है बेटा चलिए जी तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड हमने आंसर मार्क कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिवर्ष चौदह अप्रैल को मनाए जाने वाले चगास रोग की थीम फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है इस बार काफी ज्यादा न्यूज में था ये तो आप ध्यान रखिएगा इस बार डिजीज से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा चलो जल्दी से बताओ यस मैम ओके गर्ल निकिता वेरी गुड क्या करोगे बच्चे कि 14 अप्रैल को हम लोग जो मनाते हैं चगास डिजीज की लोगों को जागरूकता फैलाते हैं तो ये जो चगास डिजीज है हम इसको अमेरिकन ट्रिपेनो सोमियासिस कहते हैं क्या अमेरिकन ट्रिपेनो सोमियासिस कहते हैं जो किसके कारण फैलता है जो ट्रिपेनो क्रूजी के कारण फैलता है ठीक है ये क्या है ये आपका एक चगास है ठीक है ये जो चगास है ये चगास अपने अंदर त्रिपेनोसोमा त्रिपेनो क्रूजी नामक एक पैरासाइट ले आता है और फिर ये इंसान को काट लेता है जैसे इंसान को काटेगा फिर ये जो आपका बग है ये क्या करेगा ये इंसान को इन्फेक्ट कर देता है फिर इंसान के शरीर के अंदर ये चगास रोग फैल जाता है तो ये इस चगास के कारण ये फैला और फिर अल्टीमेटली क्या होगा इंसान को दिल में समस्या होने लगेगी उसके आमाशय में समस्या होने लगेगी उसका पाचन में समस्या होने लगती है और वही क्या है अमेरिकन ट्रिपेनो होता है ठीक है बच्चे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट देखिए फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल इको सिस्टम इनमें से किसे आप कृत्रिम पारितंत्र के रूप में जान सकते हो एस एस सी एम टी एस चौदह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को यह पेपर हुआ था शिफ्ट वन में जल्दी से बताइए बिल्कुल सही बात है सत्य में वो थे कि ये जो हमारा टेन परसेंट रूल है ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा पंचम चलो जी स्वागत है बेटा आपका चलो जल्दी से आंसर करो क्या हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो कौन सा होगा तालाब होंगे क्या अरे होते तो हैं लेकिन कुछ तालाब आपके बाय डिफॉल्ट नेचर भी बना देता है ठीक है वन नेचर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं झील नेचर के द्वारा उत्पन्न हुई है लेकिन जो गार्डन है उसको मानव बनाता है ठीक है यहाँ पे जो आपकी घास उगाई गई मानव के द्वारा उगाई गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे वहां पे अन्य जीव आके रहने लगे ठीक है जिसकी वजह से वहां पे फूड चेन बनती हुई चली गई और फिर क्या होगा वहां पे इकोसिस्टम क्रिएट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकॉन इज कॉमनली यूज बताइए सिलिकॉन जो होता है वह क्या है वह आमतौर पर प्रयुक्त तो होने वाला अर्ध चालक है चालक है एम्पलीफायर है या इंस्यूलेटर है क्या आंसर करेंगे कहा गायब है यहाँ पे सारे बच्चे अगर क्लासेस नहीं लेनी होती है तो फिर जो है बच्चे मत आई मत ही आया करो डोंट कम फॉर क्लास ठीक है पर ऐसे आते हो आके चले जाते हो क्या फायदा हाँ और बिना लाइक किए चले जाते हो चलो जल्दी से बताओ ए एमी कंडक्टर सेमी कंडक्ट वेरी गुड आंसर क्या होगा मैम देखिए सिलिकॉन जो होता है इसका नंबर होता है 14, इसके पास बाह्य कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको ये शेयर करना चाहता है और इसी वजह से हम क्या देखेंगे मैम पहली चीज ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और दूसरी चीज ये क्या है अर्ध चालक है यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो धातु और अधातु के बीच में हमें कहीं देखने को मिलती है किसके बीच में देखने को मिलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज धातु और अधातु के बीच इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं ठीक है ए ए ए ए ए ठीक है पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है अब देखो यहाँ पे एलिफेंट बियर्स एंड राइनोस आर एग्जांपल्स ऑफ आर आर बी एन टी पी टू जन उन्नीस जनवरी 2017 शिफ्ट थ्री का क्वेश्चन है मतलब बहुत ही हलवा सवाल चलो जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर हो जाएगा क्या कहेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर राहुल कोई बात नहीं बच्चे आज क्वेश्चन गलत कर रहे हो कल इनका आंसर बिल्कुल सही करोगे तो यहाँ देखो पक्षी जो होते हैं और मैमल्स जो होते हैं इनमें सिर्फ यही फर्क है कि जो मैमल्स होते हैं ये क्या है इनके पास तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आप इनके शरीर के ऊपर बाल मिलेंगे हां जी जल्दी से बताओ बेटा क्या कहोगे कि मैम ये जो संधारी जीव होते हैं ये जो मैमल्स होते हैं ये क्या है ये आ, इनके शरीर के ऊपर दुग्ध ग्रंथि मिलती है मेमोरी ग्लैंड्स मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स मिलते हैं नंबर वन नंबर 2 इनके शरीर पे बाल मिलते हैं शरीर पे क्या मिलेंगे बाल मिलेंगे तीसरी बात मैम इनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं चौथी बात क्या आ जाती है कि मैडम ये जितने भी हमारे पास जीव होंगे जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम मैमल्स कहते हैं ये मैमल्स क्या होंगे आप कह देंगे कि मैडम ये जो मैमल्स होंगे ये एक और काम करते हैं और वो क्या है ये जो आपके मैमल्स होते हैं इनके पास चार कक्षीय हृदय होता है ठीक है और पांचवी बात जो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है ये अंडज नहीं ये जरायुज होते हैं जरायुज का मतलब है ये अपने जैसे जीवों को खुद जन्म देते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ये सब चीजें ये सभी करते हैं इसलिए ये सब मैमल्स हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक समान सीधी सड़क पर निरंतर त्वरण से चलने वाली कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जल्दी से बताइए बेटा एमटीएस का एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोग तो इतनी जल्दी मचा लेते हो जब आप लोगों ने अपना एग्जाम का डेट पढ़ लिया आपका एग्जाम किस दिन है पंचम जल्दी से बेटा एक बार बताओ आपका एग्जाम किस दिन है क्या आंसर करोगे आपका एग्जाम किस दिन है चलो आंसर क्या करोगे आप कहेंगे कि मैम एक्सेलरेशन ऑफ कार इज जीरो अरे भैया वो समान त्वरण से चल रही है ठीक है यानी कि उसमें क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो जीरो कैसे हो सकती है स्टेटमेंट गलत वेलोसिटी ऑफ कार इज जीरो अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है इसका मतलब मान लीजिए उसके शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी दो मीटर पर सेकंड थी और उसकी सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी चार मीटर पर सेकंड उसकी थर्ड वेलोसिटी हो जाएगी छह मीटर पर सेकेंड तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं तो हमें पता चलेगा वेलोसिटी जीरो नहीं होगी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी तो एक्सलरेशन ऑफ कार इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग बेटा यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन है अगर कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन है तो एक्सलरेशन चेंज कैसे होगी ठीक है भाई अगर कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाए ना तो समझ जाना ना तो वो जीरो होगी और ना ही वो चेंज हो रही होगी वो एक निश्चित वैल्यू पे चल रही होगी जैसे अगर वो माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है तो माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा अगर वो आ, अगर वो थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है तो उसी से चलती रहेगी ठीक है बेटा तीसरा देखिए

जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं हमारे साथ सभी एक बार क्लास को शेयर करेंगे आ, नहीं। आप तो क्या ही शेयर करोगे क्लास को जो भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार लाइक करके जाएंगे जितने यहाँ पे हैं जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सौ बच्चे यहाँ पे हैं तो सौ के सौ इसको लाइक करेंगे ठीक है इतने से क्या होगा बेटा एनआर का नहीं सेंट्रल रीजन का स्टेटस आ चुका है वेस्टर्न रीजन का आ चुका है सदर्न रीजन का आ चुका है चलो जल्दी से बताएंगे ओके डीडीडी डीडीडी डी, 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 वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही मैम साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स मेघनाथ साहा जी के ऊपर है मेघनाथ साहा जी के ऊपर है जो क्या है जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है एस्ट्रोफिजिसिस्ट है ठीक है और ये जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं अगर हम इनकी बात करते हैं बेटा तो हम क्या कह देंगे कि मैम इनके नाम पे ये कोलकाता के अंदर इंस्टीट्यूट खोला गया है जहाँ पे फिजिक्स के ऊपर काम किया गया और खगोल वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए हम इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं पिछले टाइम बिहार का 90 कैसे गया था इतना कैसे होगा तो बेटे ये जो एम का एग्जाम है ना आप ये सोचिए कि खाली आप नहीं दे रहे एम का एग्जाम वो वो वाले बच्चे भी दे रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है ये वो बच्चे भी एम का एग्जाम दे रहे हैं जो सी जी एल के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो बस ये सोचते हो ना कि मैम एम टी एस के हलवा क्वेश्चन आएंगे कभी पेपर को उठा के देखिएगा तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कितना गलत सोच रहे होते हो अपने एग्जाम को लेके ठीक है तो जो जितना छोटे लेवल का एग्जाम होगा ना यानी कि जिसके अंदर क्वालिफिकेशन जितनी मिनिमम मांगी जाएगी उसमें कट ऑफ उतनी ज्यादा हाई जाएगी क्योंकि कंपटीशन उतना तगड़ा होगा जैसे अगर आप अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का देखिएगा कि जो एनटीपीसी सीबीटी टू आया है ना उसमें जो लेवल टू है उसमें ज्यादा कट ऑफ जाएगा लेवल फाइव के मुकाबले ओ लेवल सिक्स के मुकाबले मैम मैं तो बिहार से हूं कौन सा रीजन है सेंट्रल जी बेटा सेंट्रल रीजन है चलो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन से नष्ट होने वाला पहला स्तनपाई स्तन प्रजाति है यानी कि ऐसा है आपका जो मैमल जो क्या है बिल्कुल नष्ट हो चुका है अब वो पाया नहीं जाता तो बेटा अः मैरिटेमस ये डल ये उसको कहा जाता है आ, जॉल्फिन को अगर मैं यहाँ पे पेंथरा टिग्रिस की बात करू टाइगर है एलिफस मैक्सिमस ये क्या है एलिफेंट है लेकिन मिलोने मिलोमिस ये क्या है बेटा ये एक प्रकार का चूहा है ठीक है जो अब क्या है जो बेटा विलुप्त हो चुका है क्यों क्योंकि मानव की गतिविधियों के कारण इसका जो वो था ना अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति थी वो यहाँ पे ढंग से हो हो नहीं पाई और अल्टीमेटली ये नष्ट हो गया ठीक है ठीक है बच्चा चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है भाई देखो ये आपके पास दो सर्किट है सॉरी एक विद्युत सर्किट है इस सर्किट में ए से बी के बीच में जो भी आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ है ठीक है तो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए आपने कितना यहाँ पे कार्य किया है उसको आप क्या कहते हो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इसका सटीक आंसर हो जाता है विभव आंतर इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही विकास गोलू वत्स आनंद वेरी गुड चलिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है बच्चे आप लोगों से कि आ, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए सम्मोहनी ऊतकों को कहा जाता है डैश मतलब क्या बोल रहा है आपसे कि आपको पानी और पोषक तत्वों को जो है क्या करना है ट्रांसपोर्ट करना है फ्लोयम है कॉलिन कायमा है जाइलम है या स्केलरन कायमा है क्या आंसर करेंगे आप कह देंगे कि मैम पौधों में जो पोषक तत्व हैं उसको और पानी को ट्रांसफर करने के लिए ज से जल ज से, से जाइलम चाहिए होता है ठीक है क्या चाहिए होता है जाइलम और फ्लोयम क्या करता है बेटा तो फ्लोयम जो होता है ये फूड को ट्रांसफर करता है यानी कि ट्रांसलोकेशन करता है ट्रांसलोकेशन करता है कौन करता है आपका ये फ्लोयम ट्रांसलोकेशन का कार्य करता है ठीक है बेटा तो यहां पे देखिए ये क्या है ये जाइलम हो जाता है ये फ्लोयम हो जाता है जो आपका जायलम होता है उसमें क्या होगा उसके अंदर कोई आपको सेक्शंस नहीं मिलते एंड वॉल्स नहीं मिलती है सेल्स के बीच में लेकिन यहाँ पे हर सेल के बाद जो है आपको क्या मिलेंगे? एंड वॉल्स मिलेंगे जो क्या है सीव ट्यूब्स हो जाती है ठीक है और यहाँ पे जो आउटर सेल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं जबकि जो इसके आउटर सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं लेकिन इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है इसलिए इनके आसपास बंडल्स डले हुए होते होते हैं हैं अच्छा ये है, जो आपके जायलम और ना आप इनको बंडल्सर बंडल्स के नाम से जानते हो ठीक है आज का होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए कल की क्लास में इसको मैं चेक करूंगी क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है ठीक है कैसे बंधा होता है त्री आयामी संरचना बनाकर दूसरा है उसी तल में षटकोणीय सारिणी दे रहा है हेक्सागोनल एरे दे रहा है इस प्रकार से तीसरा है सेम प्लेन गिविंग अ स्क्वायर एरे यानी कि एक स्क्वायर एरे देता है और चौथा है इन द सेम प्लेन गिविंग अ पेंटागोनल एरे यानी कि एक पेंटागन बना देता है ठीक है तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर एकदम सटीक होगा दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन और मिलेंगे अब आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल ठीक है किस टाइम मिलेंगे सुबह ग्यारह बजे ही ठीक है कहाँ अपने एस एस एग्जाम्स व एग्जाम्पो यूट्यूब चैनल पे आप में से जो भी बच्चे अभी तक क्या नहीं करे हैं क्लास को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा और यहां दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल योद्धा जो है आपका स्टडी प्लान पीडीएफ नोट बेस्ट ड्यूरेशन नब्बे दिनों का वैलिडिटी मिलेगी छह महीने की तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं इसकी क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है और मिलते हैं फिर आप लोगों से आपकी इसी क्लास में तीन बजे ठीक है uh, एप्लीकेशन पे ठीक है और अगर आप लोग यूट्यूब से ही जुड़े रहना चाहते हैं तो सुबह ग्यारह बजे होगी मेरी एस एस सी एग्जाम्स एग्जामपुर पे क्लास जुड़िएगा वहां पे दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय